अब यहां पे ज्ञानोरमा की तरफ आते हैं। ज्ञानोरमा में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, ओके, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, 400 से ज्यादा पोषक तत्व जनरली इसके अंदर बताएंगे, ओके, इतने हैं। अब हमें सारे पोषक तत्व की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग कई बार पूछते हैं, हेल्दी आदमी भी यूज कर सकता है, बच्चा भी यूज कर सकता है, बीमार आदमी भी यूज कर सकता है, ओल्ड एज व्यक्ति भी यूज कर सकता है, ऐसा क्या है इसमें, ओके, ऐसा क्या, अभी कैंसर पेशेंट भी इसको यूज कर सकता है, हार्ट अटैक वाला व्यक्ति भी यूज कर सकता है, सब लोगों को अपनी दवाई के साथ यूज करना है, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई बीमारी की कोई चीज नहीं है, ये उनके बॉडी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर हेल्दी पर्सन है तो उसको हेल्दी बनाए रखने में सपोर्ट करता है, अनहेल्दी पर्सन है कोई कि पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम से वो पीड़ित है, तो अपनी दवाई के साथ जब वो यूज करेगा तो उस दवाई के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको हटाने में मदद करता है, बॉडी को एनर्जाइज करने में मदद करता है, बॉडी को पोषक तत्व देने में हेल्प करने का काम करता है, सपोर्ट करता है बॉडी, ये काम इसका रहता है। तो लोग डाउट करते हैं, लोग क्योंकि लोगों को कितना भी समझाया लोग पूछते हैं दवाई है दवाई है दवाई, हम बोलते हैं नहीं है नहीं है नहीं है, दवाई नहीं है दवाई नहीं है, ओके, बट उनका मन में डाउट रहता है एक ही चीज सब चीज के लिए। बट हम पहले के जमाने में देखेंगे तो हम फूड आइटम ही खाते थे, दवाई इतना नहीं खाते, तो डाउट रहता था। यहाँ पे इसके अंदर जो पोषक तत्व है सारे नहीं, एटलीस्ट बेसिक 2-3 चीजें हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो पोषक तत्व है मैंने लिख दिए यहाँ पे, पॉलीसैक्राइड्स हैं, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, एडिनोसिन है, ट्राइटरपेनोइड्स हैं, गैनोटिक एसिड्स है, लिंक जी एडी एक प्रोटीन का पार्ट है, इसे और इस तरीके के बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद है। इसमें एक एक करके थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। इसका पॉलीसैक्राइड एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर रहता है नेचुरल तरीके से, इसको डाला नहीं जाता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमने डाला है, ऑलरेडी इस मशरूम जब उगता है तो इसका अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। पहला चीज है हमारा पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड ऐसा एलिमेंट है, ये अलग अलग फूड में भी पाया जाता है, बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसके अंदर ये मिलता है, बट बहुत कम मात्रा में मिलता है, ऐसे ही गैनोडर्मा में भी ये चीज मिलता है, बट ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स का अनवांटेड ग्रोथ होता है उसको रोकने में मदद करता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंसर। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जो खराब हो चुके हैं, क्योंकि एक सेल खराब हो गया फिर वो 10 को खराब करता है, जिस एरिया का सेल खराब हो जाएगा उस एरिया का कैंसर के नाम से जाना जाता है। ब्लड का खराब हो गया तो ब्लड कैंसर, ब्रेन का खराब हो गया तो ब्रेन कैंसर, ठीक है, हमारा जहां का खराब हो गया स्टमक का हो गया तो स्टमक कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट का हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे अलग अलग तरीके बहुत सारे कैंसर होते हैं, ठीक है। आजकल कैंसर नॉर्मल चीज है, आप लोगों को मालूम है, अभी परसों भी एक कैंसर पीड़ित एक व्यक्ति है, पता नहीं कौन सा नया नाम बोला, मैं पहली बार सुना, अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं लोगों को। तो जहां का सेल खराब हो गया वो सेल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं तो एक टोकरी ऑफ टमाटर, टमाटर की एक टोकरी लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे टमाटर है, उसमें बीच में मैंने एक सड़ा हुआ टमाटर रख दिया, क्या होगा? एकदम से नहीं सड़ेगा, उस सड़े हुए टमाटर से जो टमाटर टच हुए होंगे वो पहले सड़ना चालू होंगे, तो वो चार को खराब करेगा, वो चारों जब सड़ेंगे तो उसके उससे टच होंगे वो बाकी सड़ने चालू हो जाएंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे वो टोकरी के टमाटर धीरे धीरे करके सड़ना चालू, यही इसी तरीके की कैंसर का भी ग्रोथ होता है, एकदम से नहीं बढ़ता है, कैंसर का ग्रोथ एकदम से नहीं बढ़ता है, कई सालों बाद हमको मालूम पड़ता है जब थर्ड स्टेज पे आ जाता है। इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशन दिया जाता है या कीमो दिया जाता है, और वो क्या करता है उस एरिया के सेल को खत्म करता है। अब रेडिएशन को तो नहीं मालूम ना कि मुझे जाके सो को ही खत्म करना है, वो तो उसके आसपास के और को भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पे पॉलीसैक्राइड का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को के अंदर अगर कहीं पे भी पूरी बॉडी में कहीं पे भी सेल का ग्रोथ अगर अनवांटेड या अनकंट्रोल्ड वे में हो रहा है तो उसको रोकने में शरीर को मदद करता है। ध्यान देना वो जो वर्ड में बोल रहा हूं, बॉडी की मदद करता है, डायरेक्टली जाकर कोई चीज नहीं रोकता है, बॉडी की हेल्प करता है। बॉडी को जब पॉलीसैक्राइड मिलता है तो बॉडी के अंदर ताकत आ जाती है, अभी मैं इसको रोक सकता हूं। मैंने बोला ना बॉडी इज अवर बेस्ट डॉक्टर, बॉडी को चाहिए, बॉडी को पॉलीसैक्राइड प्रोवाइड करता है। तो कुछ कैंसर पेशेंट भी इसको यूज करते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ कई लोगों को फायदे ऐसे टेस्टिमोनियल बताया गया है, कई लोगों ने आके हमको बोला है कि हमको ये प्रॉब्लम था, कैंसर रिलेटेड इश्यूज था, हमको बहुत फायदा मिला हमने जब अपनी दवाई के साथ यूज किया। बट हम लोगों को बोलते हैं कैंसर आने से बचो, आने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स में आप जाओ, मानसिक तौर पर आप मेंटली डिप्रेस हो, तो हम लोगों को बोलते हैं आप कैंसर आने से
बचाता है। कैसे बचाता है? क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी को मिलेगा तो बॉडी को क्या करेगा, ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है कभी भी हो सकता है, उसको रोके रखने में मदद करेगा। ओके, बीमार होने से बचना है। सेकंड चीज है इसमें ऑर्गेनिक जर्मेनियम, जैसे मैंने पहले बोला था ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक जर्मेनियम का काम क्या है? ऑर्गेनिक जर्मेनियम एक ऐसा एलिमेंट इसमें है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम का काम है हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देना, हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देना। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है हमारी बॉडी की। ओके, या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता, कई लोग उसको गलत वे में लेते हैं, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन नहीं देता है, हमारे शरीर के अंदर एक कैपेसिटी है ऑक्सीजन लेने की, खींचने की, एक सिस्टम बनाया हुआ है भगवान ने, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक जर्मेनियम का काम है। तो ऑक्सीजन अच्छे से चाहिए, चाहिए तो हमारा सिस्टम अंदर का स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्ट्रांग तभी रह सकता है जब उसको ऑर्गेनिक जर्मेनियम नेचुरल मिलना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, यहां पे नेचुरल मिलता है गेनोरम। थर्ड चीज है एडिनोसिन। एडिनोसिन बड़े बड़े जो विकसित राज्य हैं, बहुत से जगह पे, बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में ये एडिनोसिन जो है आर्टिफिशियली बनाया भी जाता है, आर्टिफिशियली बना के इसको इंजेक्शन का रूप देके जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है उनके ब्लॉक को, क्योंकि एडिनोसिन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि जहां हमारा फैट जम गया हो उसको गलाने की एक क्षमता होती है, तो उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। अब आर्टिफिशियली बनाएंगे तो इफेक्ट होगा, तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा, क्योंकि केमिकल से बनाया जाता है वो, तो यहां पे एडिनोसिन नेचुरली इसके अंदर है गेनोडर्मा। अब नेचुरली ये चीज है तो क्या करेगा, यही प्रोडक्ट जब हार्ट पेशेंट वाला व्यक्ति भी यूज करेगा तो उसको मदद करता है, जब वो दवाई के साथ में यूज करता है तो उसके बॉडी को एडिनोसिन सप्लाई करता है। पहली चीज तो हार्ट की बीमारी होनी नहीं चाहिए, आने से बचना है। कैसे बचेगा? क्योंकि अगर ये व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर आरजीजीएल जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको प्रॉपर तरीके से अगर यूज करता है, अच्छे तरीके से यूज करता है, तो उसको एडिनोसिन प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो हार्ट की बीमारी से बचेगा, प्रिवेंट करेगा, हेल्प करता है। ओके, यहां बॉडी की सपोर्ट करता है। तो ये इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, मैंने ये सिर्फ ये दो तीन एग्जांपल मैंने इसलिए आपको बताया कि ये एक ही चीज कैसे अलग अलग हेल्दी अनहेल्दी सब लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट हमें चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, हमारा शरीर हर चीज को क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, बट उसको कुछ चीजें चाहिए, वो प्रोवाइड करने का काम करता है गेनोडर्मा। ये गेनोडर्मा अब देखेंगे आरजी और जीएल। अब अगला क्वेश्चन आता है आरजी जीएल अलग अलग क्यों निकालते हैं, गेनोडर्मा को या आरजी को एक बार में ही दे सकते थे। कुछ चीजें जो होता है, कुछ पोषक तत्व तो जो होता है आरजी में ज्यादा होता है, कुछ पोषक तत्व तो जीएल में ज्यादा मिलता है। तो जैसे मैंने पहले बोला डॉक्टर लिम ने इस तरीके से इस प्रोडक्ट को दिया है आरजी जीएल को, जितने भी पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ उनको बेचना है गेनोडर्मा, नाम से बेचना है, ठीक है, नाम से बेचना है, बस इतना काम करते हैं, बट हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसको लोग, जो भी लोग इसको यूज कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिलना चाहिए। फायदा तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व तो नेचुरल तरीके से उसको मिलेगा। अब पहला हम देखते हैं आरजी। आरजी के अंदर ये कंटेंट्स ज्यादा होते हैं, ट्राइटरपिनोड है, एडिनोसिन है, पॉलीसैकेराइड है, लिंगजी 8 है, पॉलीसैकेराइड मतलब जो मैं बोला अनवांटेड ग्रोथ को रोकता है सेल को, ये सब चीजें हैं। तो आरजी का मेन काम क्या है, आरजी कैसे निकलता है आरजी, अभी आप देखेंगे ये 100 डेज का एक मशरूम है, मतलब इसको जब उगाते हैं 100 दिन के बाद ये मैच्योर होता है ऐसा दिखता है। इसके फार्म्स वगैरह है, उसको फार्म को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इसको बनाया जाता है। ये आरजी है, इसमें से आरजी निकाला जाता है। कैसे, इसका जो बॉडी पार्ट है इस बॉडी पार्ट को कट करके निकाला जाता है, इसको जो प्रोसेस बताया था मैंने कोल्ड प्रोसेसिंग के गुजार के, इसमें से 20 किलो मशरूम, ऐसे 20 किलो मशरूम निकलता है, तो उसमें से 1 किलो पाउडर निकलता है, ओनली 1 केजी पाउडर निकलता है, उसको माइक्रो पाउडर किया जाता है और उसको कैप्सूल में भर के दिया जाता है एज पर इंडियन रूल्स। अगर बाहर कंट्री में देखें पाउडर फॉर्म में भी, मलेशिया या अदर कंट्रीज में पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसको कैसे भी खाया जा सकता है। तो आरजी का मेन काम क्या होता है, डिटॉक्सिफाई करना हमारी बॉडी को, हमारे जिम बोला ना कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स गए इसको बाहर डालना, तो डायरेक्टली डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वो ताकत पैदा करता है ताकि ये डिटॉक्सिफाई कर सके, तो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। अगर डिटॉक्सिफाई होना चालू हो जाएगा, डेली डिटॉक्सिफाई होगा तो हमारा बॉडी अंदर से क्या होगा, हेल्दी रहेगा। ओके, हम क्योंकि हम रोज क्या कर रहे हैं, टॉक्सिन ले रहे हैं, तो रोज टॉक्सिन ले रहे हैं तो इसको रोज क्या होना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए।
ठीक है, हेल्दी पर्सन को कम डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, अनहेल्दी को ज्यादा, क्योंकि अनहेल्दी है कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको क्या है ज्यादा टॉक्सिन्स चले गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा ज्यादा डोसेज में लेके उसको क्लीन करके फिर नॉर्मल डोसेज में लाकर। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, ज्यादातर लोग हेल्दी रहने के लिए इसको यूज करते हैं, तो उनको एक नॉर्मल डोसेज है उसको यूज करिए, तो डेली आपका क्या होगा डिटॉक्सिफिकेशन होगा। ये आरजी का काम है। नेक्स्ट है हमारा जीएल। आरजी का फुल फॉर्म है ऋषि गैनो। ओके, ऋषि गैनो जीएल। नेक्स्ट जीएल गैनोसिलियम। अब गैनोसिलियम में आप देखेंगे दोनों में क्या फर्क है। गैनोसिलियम में आप देखेंगे यहां विटामिन मिनरल्स वगैरह ज्यादा हैं। ओके, ऑर्गेनिक जर्मेनियम सबसे ज्यादा गैनोसिलियम में है। गैनोसिलियम कैसे निकलता है? गैनोसिलियम निकलता है जब ये मशरूम कम उगाते हैं, जब ये 21 दिन का होता है, 21 डेज का होता है, तो इसके रूट पार्ट में निकाल के पाउडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च में ये पता चला जब ये 21 दिन का होता है तो इसके रूट पार्ट में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक जर्मेनियम है। इसके बाद ये जैसे 22वां दिन, 23वां दिन, 24वां दिन, 25वां दिन जैसे जैसे बढ़ता है तो ऑर्गेनिक जर्मेनियम की मात्रा क्या होती है कम हो जाती है, बाकी चीजें ऐड होना चालू हो जाती है, बाकी न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बोला जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी को मिलना चाहिए। ऑर्गेनिक जर्मेनियम चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऑर्गेनिक जर्मेनियम ज्यादा से ज्यादा कहां से मिलेगा? ये डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने उनको पता चला कि 21 डेज का जो गैनोसिलियम है, माइसिलियम पार्ट है, उसका रूट पार्ट जो उसका जड़ भाग है उसको निकाल के अगर पाउडर करेंगे उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक जर्मेनियम नेचुरल तौर पर वो करके निकाला है हमारा जीएल। उसको पाउडर करके, माइक्रो पाउडर करके दिया हुआ है जीएल। ओके, तो यहां पे ऑर्गेनिक जर्मेनियम हमारा ज्यादा है और नया बन रहा है तो विटामिन मिनरल्स वगैरह ज्यादा इसमें रहते हैं। तो इसका मेन काम क्या रहता है? बैलेंस करने का। तो मैंने बोला ना बीमारी आने के दो रीजन होते हैं, एक तो इनबैलेंस और दूसरा टॉक्सिक। तो आरजी का काम है डिटॉक्सिफाई करने में मदद करना और जीएल का काम है बैलेंस करने में बॉडी की मदद करना। बैलेंस करने के लिए प्रॉपर विटामिन मिनरल, विटामिन बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से। ऑर्गेनिक जर्मेनियम हमें मिलेगा अच्छे से, पोषक तत्व तो दे रहा है, साथ में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी भी हमारी बॉडी की बढ़ जाएगी, तो क्या होगा हम अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। यही रीजन है। तो स्पेशली हम छोटे बच्चे वगैरह होते हैं तो उनको हम बोलते हैं आरजी, क्योंकि उनके अंदर इतना टॉक्सिन अभी गया नहीं है। ठीक है, तो आरजी से पहले हम जीएल स्टार्ट करो। जीएल ज्यादा दो, आरजी कम दो। तो जीएल जितना ज्यादा दोगे उनके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा तो ब्रेन क्या होगा डेवलप होगा, ब्रेन अच्छे से उनका डेवलप होगा, और ब्रेन डेवलप होगा तो उनका पढ़ने का मन, या हम लोग कई बार बच्चों को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। ओके, कहां से पढ़ेगा जब उसका ब्रेन ही ब्लॉक है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, नींद आता है उसको, किताब खुलते ही क्या होता है हमको नींद आता है कि नहीं आता है? तो बच्चों की तो फिर बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमको क्यों नींद आता है? ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई ब्रेन में नहीं हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई करने में हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। ज्यादा से ज्यादा जीएल हम खा सकते हैं। तो ये जीएल जो है कुछ ही हमारा हेल्थ ड्रिंक है, मैं बताऊंगा उसमें ज्यादा दिया हुआ। ग्लैंडरमा एक बहुत अच्छा एडाप्टोजन है। एडाप्टोजन एक ऐसी फूड की कैटेगरी है जिसके अंदर किसी भी फूड को रखना है, फूड ही आता है, कोई मेडिसिन नहीं आता है। ठीक है, ओनली ऐसे फूड्स ही उस कैटेगरी में आते हैं जो तीन रूल फॉलो करते हैं। एक तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, किसी तरीके की विषैली चीज, नुकसान पहुंचाने वाली चीज उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ट के लिए यूज करना ऐसा नहीं, ऐसा है क्या? ऑल बॉडी के, तो पूरी बॉडी को। तीसरा चीज है पूरी दो बॉडी को नॉर्मलाइज करने में मदद करने वाली कोई चीज, वो ऐसे फूड आइटम को ही आप एडाप्टोजन की कैटेगरी में। तो एक पावरफुल एडाप्टोजन फूड है गैनोडर्मा।